हेलो दोस्तों, मैं हूं जिया सर और आप देख रहे हैं नाइस मैथमेटिक्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। तो आज हम लोग करेंगे 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3। इसको करने से पहले हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है क्या एक्चुअली? पीएक्स और जीएक्स अगर दो पॉलिनोमियल है जहां जीएक्स जीरो के इक्वल नहीं है, इस लाइन का मतलब यह हुआ कि इफ पीएक्स एंड जीएक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जीएक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यूएक्स एंड आरएक्स। यानी पीएक्स को यदि हम जीएक्स से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्वोशेंट क्यूएक्स और रिमाइंडर आरएक्स आएगा, जहां पीएक्स इक्वल टू क्या होगा, जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आर एक्स। दिस इज कॉल्ड द डिविजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको याद रखना है, और जैसे हम लोग नंबर का डिविजन करते हैं वैसे ही आज हम लोग पॉलिनोमियल का डिविजन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला। बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है कि एक पीएक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दूसरा क्यूएक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आप पीएक्स को क्यूएक्स से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालिए। तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, जैसे हम लोग नंबर का डिविजन करते हैं उसी तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स का भी डिविजन करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आइए समझिए। तो यहाँ हमारे पास जो पॉलिनोमियल है पीएक्स को डिवाइड करना है किससे, जीएक्स से। इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला काम यह है कि जो भी डिविडेंड है और जो भी डिवाइजर है उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए पावर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, घटते हुए क्रम में है। तो आइए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमको डिवाइड करना है, एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3 को। तो अब हम डिवाइड कैसे करें, जैसे हम लोग नंबर का डिवाइड करते हैं वहां टेबल देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिविट सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां हम लोगों को वैसे नहीं करना है। यहां करना क्या है कि ये जो डिविडेंट है, इस डिविडेंट का जो सबसे बड़ा पावर जो है, इस टर्म को हमें कैंसिल करना होता है। यानी इसको ऐसे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है कि उसका एक टर्म इसके इक्वल आ जाए। तो अब यहाँ गौर कीजिए, पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड होता है, तो यहाँ एक्स टू की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो हम एक्स का पावर 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स का पावर 3 हमको मिल जाएगा। तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू माइनस 2 एक्स। ध्यान ये रखना है कि इससे मल्टीप्लाई दोनों में होगा, एक में नहीं होगा। अब इसके बाद घटाते हैं, तो जैसे नंबर को घटाते हैं वैसे ही इसको भी घटाएंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए घटाने के क्रम में एक और सावधानी आपको ये बरतनी है कि लाइक टर्म्स एक साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। लाइक टर्म मीन्स जिसका पावर सेम हो, वेरिएबल जिसमें सेम हो। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो ये इसके साथ ऐड नहीं होगा, ये इसके साथ ऐड होगा। तो ये पावर 2 वाला टर्म पहले लिखेंगे, उसके बाद 2x, 5x, 7x माइनस 3 कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में भी यही काम हमें करना है। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यही करेंगे कि अब हम x से इसको ऐसे x स्क्वायर माइनस 2 को ऐसे नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि उसका पावर टर्म माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब इस एक्स स्क्वायर को हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस 3x मिल जाएगा। तो यहाँ माइनस 3 से केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 7x माइनस हो जाएगा 9, 7x माइनस 9। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, अब पावर इससे ये कम आ गया और डिवाइड नहीं करेंगे, तो कोशेंट हमारा क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 7x माइनस 9, एंड दैट्स इज योर आंसर। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, बिल्कुल डिवीजन आसान लगेगा। तो आइए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, जीएक्स से। तो आपको पहला कंडीशन क्या बताया कि दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए,
तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ ये ऑलरेडी है, इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसको क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको हमें ऐसे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है कि x का पावर 4 हो जाए। क्या है यहाँ, x का पावर 4, तो ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड होता है, तो पावर ऐड होगा क्या होगा, यहाँ अगर x का पावर 2 है तो x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा x का पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x का पावर 4 माइनस एक यहाँ है 2 x का पावर 3 और प्लस x स्क्वायर। यही ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे। अब सबट्रैक्ट करने में क्या करना है, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस, अब ये कैंसिल होगा। अब x की वाला एक ही टर्म है तो पहले इसको उतारेंगे, x स्क्वायर वाला दो ठो है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस x टू 4x स्क्वायर। अब x वाला टर्म ऊपर में है 4x, प्लस क्या है 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लाना है, x टू द पावर 3, यहाँ x स्क्वायर है तो प्लस x से मल्टीप्लाई कीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, घटा दीजिए माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5। ध्यान ये रखना है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो ये ध्यान रखना है इसका साइन क्या है, माइनस है ये प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस हो तो घटाते हैं, 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3, यहाँ भी एक प्लस है एक माइनस है, माइनस वाला छोटा है और प्लस वाला ग्रेटर है, इसलिए ये प्लस 3x हुआ और ये प्लस 5 जो करते हैं उतार दिए। अब क्या चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या शेष बचा 8। सो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8, और कोशेंट क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे कोशेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, एंड दैट्स इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग काम करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। काम क्या करना है, हमको क्या करना है, एक एक टर्म को कैंसिल करते जाना है, कब तक, जब तक कि रिमाइंडर का डिग्री जो है वह डिवाइजर के डिग्री से छोटा नहीं आया। इसको नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, px इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस x स्क्वायर, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेना है, x स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखना है, कांस्टेंट को बाद में, ये ऑलरेडी अरेंज है, बस वही फार्मूला लगा देना है अपना वाला, ये x टू द पावर 4 है, यहां x टू द पावर क्या है 2 है, तो x टू द पावर 2 से करेंगे। अब ध्यान ये देना है कि यहां माइनस है लेकिन यहां चाहिए प्लस, तो माइनस से करेंगे बस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, इसको घटाइए, ये कैंसिल हो गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए प्लस चाहिए, तो माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4। अब ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10, और ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस तरह से काम करेंगे, काम आपका आसान होगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, एंड दैट्स इज योर आंसर, यहाँ आंसर है। तो इस तरह से काम बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल।
कहने का मतलब यह है कि दूसरे पॉलिनोमियल को आप पहले पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए डिवाइड करने के बाद कि क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि यदि हम डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवीजन हो जाए, यानी रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके चेक करना है, यानी इसको डिवाइड करेंगे इससे और यदि रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ये फैक्टर होगा, और रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो आइए डिवाइड करते हैं टी स्क्वायर माइनस थ्री से 2t⁴ प्लस 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है तो 2 लिखिए, यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 है तो 2 का पावर 4 लिखिए। सेम है फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 2t का पावर 4 माइनस 2 3 6 t². अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा 3t³। और यहां से ये दोनों सेम है तो 6 माइनस 2 प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। ऐसे करना है, ये नहीं कि आमने सामने इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, नहीं, ये भूल कर भी नहीं करेंगे, सेम पावर वाले को एक साथ अटैच करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो लाइक टर्म एक साथ ही अटैच्ड होंगे। लाइक टर्म मीन्स वेरिएबल जिसमें सेम हो, वेरिएबल सेम मतलब जिसमें पावर वेरिएबल का सेम हो। तो पावर मीन वेरिएबल भी सेम हो, यानी जैसे टी है तो दोनों में टी रहे और दोनों का पावर सेम हो। अब यहाँ 3t चाहिए तो 3t से कर देते हैं, तो 3t इंटू टी स्क्वायर टी क्यू माइनस 3 3 9 t² तो टी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ 3t है, यहाँ 3 है, बस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। अब 4t² अकेले है t², ये 9 से ये 9t कट जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। अब ये कैसे कट रहा है ये भी ध्यान रखना, ये माइनस है ये प्लस है, जो साइन चेंज हो गया वह यूज होगा, ये प्लस 9 माइनस 9 जीरो होता है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, तो 4t² माइनस 12। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल जीरो, यानी डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। तो लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल प्रूव्ड हो गया। ये हम लोगों को चेक करना था, चेक्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया कि फर्स्ट जो है वह सेकेंड का एक फैक्टर है। तो ऐसे ही और भी इसमें क्वेश्चन है, आइए एक और करके देखते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 2, यहाँ भी वही काम करना है कि हमें चेक करना है डिवीजन करके कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड का एक फैक्टर है। तो आइए हम सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करके देखते हैं। तो हम x² प्लस 3x प्लस 1 इसको डिवाइड करना है, 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ क्या चाहिए, 3 और x⁴, यहाँ x⁴ है तो बस वही काम करना है, 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x² इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 इसको इससे घटा देंगे। अब यहाँ देखिए पावर 3 वाला ये दोनों है, ये माइनस वाला ज्यादा, इसलिए माइनस 4x³ माइनस 9 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 4, ये x² वाला दोनों माइनस है तो माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। जो रूल्स बताए हैं पहले, अगर दोनों माइनस हो जोड़ना हो तो जोड़ के माइनस में लिखेंगे, दोनों प्लस हो ऐड करना हो तो ऐड करके प्लस में लिखेंगे, एक प्लस हो एक माइनस हो तो घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो बड़ा होगा जो लार्जर होगा उसका साइन दे देंगे। तो अब हमें क्या करना है, माइनस 4x³ चाहिए, यहाँ x² है तो माइनस 4x से कीजिए, तो माइनस 4x³ माइनस 4 3 12 x² माइनस 4x। अब इसको घटाइए, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब x² 12x² माइनस 10x² 2x², ये क्या हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 2। अब 2x² चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, तो 2x² प्लस 2 3 6x प्लस 2 1 2। अब ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो।
लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। हो गया, चेक्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लिए, अगर यहां जीरो नहीं आता इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, और जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, दैट मीन्स नॉट फैक्टर। तो यही काम करना है, डिवीजन ही हम लोग पांच पांच कर लिए, तीन और दो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जीरो आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा।